इसके कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान में भी बताए गए, जो तमाम पशु पक्षी हैं उनकी तस्करी इनका शौकीन है। तो कहा जा रहा कि पाकिस्तान से भी कई जो पशु पक्षियों को ये मंगवा रहा था, इसके घर पर भी तमाम ऐसे देखे गए हैं प्रजाति के पशु पक्षी। ये सारी चीज़ों की हम तहकीकात कर रहे हैं और इनकी छानबीन की जाएगी। ये लगा इसको कि ये घिर गया है और गिरफ्तार हो सकता है, तो ये सरेंडर करने के लिए आज लखनऊ आया था। क्या यूपी पुलिस के एनकाउंटर से भीगी बिल्ली बन गया हिस्ट्री शीटर लल्लन खान? किसी जमाने में खुद को गब्बर सिंह बताने वाले लल्लन का यूपी के मलिहाबाद में तूती बोला करती थी। पुलिस के पीछे खड़ा शख्स वही लल्लन खान है जिसकी तूती बोला करती थी। जो सड़क पर चलता था तो उसको देखकर लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। ये वही लल्लन खान है जिसने लखनऊ के मलिहाबाद में दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि लल्लन खान का नेपाल, पाकिस्तान और पोलैंड से कुछ ऐसे कनेक्शन है जिसे पुलिस लगातार जांच कर रही है। बता दें कि दोनों ही आरोपी सरेंडर करने की फिराक में घूम रहे थे। पूछताछ में लल्लन के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सिराज के पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। पुलिस की माने तो इसकी जांच की जाएगी। बताते चले कि जमीनी विवाद में 70 साल के लल्लन उर्फ सिराज के बेटे फराज के साथ 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले पे पुलिस ने क्या बातचीत की है, आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। तो आरोपी है सराज खान, इसके 3 लड़के हैं, 2 लड़के ऑलरेडी पोलैंड में हैं और एक लड़का जो कि घटनास्थल पर मौजूद था फराज खान। तो ये आशंका थी कि ये पोलैंड भाग सकता है और साथ ही इनके कनेक्शन अदर भी नेपाल जैसे भी कंट्री में थे, तो ये वहाँ भी भागने की सूचना थी हम लोग को। तो इमीडिएटली सारे एयरपोर्ट को जो सूचना दी गई कि इस तरह की घटना है और इस पर जो है नोटिस जारी कर दिया गया कि ये भाग न सके, तो ये लगभग अंदेशा इसको भी हो गया था। तो ये फिर नेपाल की तरफ निकलने का था, तो हम लगातार अपनी सर्विलांस टीम के जरिए इसको जो है निगरानी कर रहे थे और इसके जितने एसोसिएट्स थे और इसके परिजन थे उनके जरिए ये पता चला कि ये मुरादाबाद की तरफ भागा है। हमारी टीम तत्काल मुरादाबाद की तरफ इसकी घेरेबंदी कर ली। जब ये लगा इसको कि ये घिर गया है और गिरफ्तार हो सकता है, तो ये सरेंडर करने के लिए आज लखनऊ आया था। आज सुबह दुबग्गा तिराहे के पास हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और मलिहाबाद की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से DBBL गन बरामद हुई है, 70 लाइसेंस बरामद हुए हैं और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। अपराध से अर्जित संपत्ति 97 में आखिरी मुकदमा बताया गया, 18 मुकदमे हैं, तो अब इसके ऊपर जो अपराध से अर्जित संपत्ति है वो किस तरीके से जब्तीकरण होगी, क्योंकि एक अभियान है उत्तर प्रदेश पुलिस का भी? निश्चित रूप से हम लोग इसके जितनी भी संपत्ति होगी वो सारी जो है जांच करेंगे, खंगालेंगे और इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई, NSA की भी कार्रवाई हम करेंगे और उसकी संपत्तियों को कुर्क करेंगे। एक इसके कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान में भी बताए गए, जो तमाम पशु पक्षी हैं उनकी तस्करी इनका शौकीन है। तो कहा जा रहा कि पाकिस्तान से भी कई जो पशु पक्षियों को ये मंगवा रहा था, इसके घर पर भी तमाम ऐसे देखे गए हैं प्रजाति के पशु पक्षी। ये सारी चीज़ों की हम तहकीकात कर रहे हैं और इनकी छानबीन की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या ट्रिगर पॉइंट था कि जिसकी वजह से इसने अपनी ही भतीजी को, अपने ही उसके बेटे को और फिर अपने उसके देवर को गोली मार दी, क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट था? देखिए, एक तो ये है कि इनका पारिवारिक विवाद काफ़ी समय से था, दोनों परिवारों में काफ़ी समय से बोलचाल नहीं थी, तो ये तो एक पुराना इनके था ही मनमुटाव। तात्कालिक कारण ये बना कि जो जमीन थी उस जमीन की पैमाइश हो रही थी और वो जमीन जो ज्ञात हुआ है कि ये सराज के जो है कब्जे में थी और ये नहीं चाहता था पैमाइश और वहाँ पर ये पैमाइश हो रही थी, तो उसके कारण जो है इंस्टेंट इसको जो है ये एग्रेशन हुआ और इसने जो है ये घटना की, वहाँ विवाद किया और फिर घर पर आकर भी विवाद करके और वहाँ पर गोली चलाया। लगभग कितनी ज़मीन रही होगी, कितनी? लगभग 10 बीघे की बताई जा रही है ज़मीन। जी, ये थे लखनऊ के DCP राहुल राज, जिनका कहना है कि 10 बीघे के लगभग जमीन थी जिसको लेकर के विवाद था और उस विवाद के चलते ही मुख्य आरोपी सिराज उर्फ लल्लन अपने बेटे के साथ जाता है, अपनी लाइसेंसी राइफल से 3 लोगों की जान ले लेता है।
पुलिस की माने तो लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम देने के बाद कई टीमें बनाई गई थी। वो टीमें लगातार इन आरोपियों को ट्रैक कर रही थी। इन सभी आरोपियों के फोन सर्विलांस पे थे। इतना ही नहीं, पुलिस इनके रिश्तेदारों से भी लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद इनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इससे पहले दोनों सरेंडर करते, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।